पिछले एपिसोड में आपने देखा हम उज्जैन से नासिक पहुँचे। ओके सो फाइनली डे वन ऑफ नासिक एंड हम जा रहे हैं सुला विनयार्ड। सुपर एक्साइटेड आई एम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नासिक में हमने विनयार्ड टूर किया, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। खराब सड़कें देख के, ये महाराष्ट्र की सड़कें और ये हरियाली देखते हुए मज़ा आ गया। आज हमने छोटा डिस्टेंस चुना क्योंकि रात को ऑफिस इंटेंस वर्क इन ऑफिस टुडे, तो हमने सोचा पुणे जाके रुका जाए, वहाँ से हम आगे जाएंगे महाबलेश्वर। देखते हैं पुणे में क्या होता है। नारायण गांव, अगर आप नासिक से पुणे जा रहे हैं तो ये वड़ा पाव खाना ना भूलें इन भैया के हाथों का। भैया आपके होटल का नाम क्या है? तिरंगा, तिरंगा होटल। और ये गरम गरम उसी टाइम बना के देते हैं, विच इज़ अमेजिंग। और क्या क्या बेचते हो भैया आप? मिसल वड़ा पाव भजिया। एक वड़ा पाव कितने का होता है? 12। एक वड़ा पाव 12 रुपए का होता है और ये टेस्ट शायद आपको किसी 5-स्टार होटल में नहीं मिलेगा। बारिश थी जिसकी वजह से हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए, रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं था बिल्कुल भी, और सुबह को कुछ ट्रेनिंग था जिसकी वजह से जो कैंसिल हो गया, बिकॉज़ वहाँ पे ना लाइट थी ना वहाँ पे वाईफाई मिला, और वाईफाई मिला भी तो वो हर 10 मिनट में स्विच ऑफ होता था, स्विच ऑन होता था, इस वजह से उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई, काफ़ी नुकसान हो गया। एंड फिर वहाँ से हम अगले दिन ही निकल गए और सीधा सीधा बेलगांव आ गए। उसके बीच में जो जगह थी, रास्ता बहुत सुंदर था, कुछ कुछ मैंने शॉट्स लिए हैं, बट बारिश था बीच में तो हम रुक के कैमरा से नहीं ले पा रहे थे, और हमें जल्दी भी थी कि हम जल्दी बेलगांव पहुँचे, बिकॉज जो नेक्स्ट ट्रेनिंग थी इनकी रात की वो मिस नहीं होनी चाहिए थी। तो बहुत मुश्किलों भरा ये दो दिन था। बेलगांव पहुँचे एंड बेलगांव से हम बेंगलोर पहुँचे नेक्स्ट डे। एंड बेलगांव मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बेलगांव हमें लग रहा था कि छोटा शहर होगा, लेकिन छोटा है फिर भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, साफ है, डेवलप्ड भी है। एंड वहाँ इवन द जो होटल जिसमें हम रहे, द फर्न UK 27 बाई द फर्न, वो शायद अभी तक का सबसे अच्छा होटल था इस ट्रिप में। एंड देन बेंगलोर हम रात को पहुँचे, और बेंगलोर में हम सरोवर पोर्टिको दशानम एक स्वीट्स हैं वहाँ पे, लास्ट टाइम भी मैं अपने फादर के साथ जब आया था दवानम तो वहीं पे रुका था।
कुछ फ्रेंड्स आए थे वहाँ मिलने, अब वहाँ से निकले अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें कहाँ जाना है, बिकॉज जो घूमने वाला ट्रिप था वो ख़त्म हो चुका है। अभी हमें जल्द से जल्द हमें अपने होम टाउन पहुँचना है कोल्लम। सो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, अभी कैफे कॉफ़ी डे में बैठे हैं, इट्स अ कॉफ़ी ब्रेक। नो यहाँ से प्लान के हिसाब से तो हम कोयम्बतूर रुकने वाले थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोची पहुँच जाएँ, सो दैट कि हम कम से कम दिनों में कोची पहुँच जाएँ। काफ़ी दिन हो गया हमें निकले हुए, हम 30 तारीख को निकले थे और आज क्या है, आज है 10 तारीख, तो ऑलमोस्ट 11 दिन हो चुके हैं। और जनरली जब मैं ये ट्रिप करता हूँ तो मैं 4-5 दिन में पहुँच जाता हूँ, तो अब हमें लग रहा है बस जल्दी पहुँच जाते हैं बिकॉज नो वहाँ पे भी हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। हमारी कॉफ़ी हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कोची के लिए। लेट्स से कोची पहुँचते हैं या कोयम्बतूर में हमारा दम टूट जाता है। जब मैं पिछले साल आया था तब भी यहाँ पे ऐसे ही ट्रैफिक हुआ था, रोड्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैच है जहाँ पे हल्का सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एग्जैक्टली एक साल पहले भी वहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और आज भी वहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया बीच में काम रुका हुआ था या फिर ये हमेशा ही ऐसे रहता है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जाम, मैं इस जाम को क्रॉस करके आगे आ चुका हूँ जो कि इस तरफ भी था। ये रोड पड़ता है सेलम से 30-40 किलोमीटर पहले जब हम होसुर रोड से बैंगलोर से निकल के आते हैं। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इवन पुणे से निकलने के बाद अब तक नज़ारा मेरे को बिल्कुल यूरोप वाली फील आ रही है। पहुंच गए हैं और ये हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। अब कोची के लिए रह गए हैं 162 किलोमीटर। ये है आरटीओ चेक पोस्ट वालयार, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 एंड होपफुली हम पहुंच जाएंगे 2 तक, तकरीबन हम पहुंच जाएंगे कोची। हम कोची पहुंच चुके हैं और हॉलीडे इन में रुके हैं। यहाँ पे पार्किंग भी सेल्फ है, यहाँ कोविड ज़्यादा है तो पार्किंग करके मैं अभी जा रहा हूँ चेक इन के लिए। और बहुत ही अच्छा रास्ता था, 4-lane था, बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ मैं। काफ़ी स्मूथ ड्राइव थी कंपैरेटिवली पिछले साल से। कल सुबह हम लोग यहाँ से कोल्लम के लिए निकलेंगे, फिर देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। Just had a haircut, now ready to go to home and the Shubhi is also getting ready.
अच्छा अभी कैमरा स्टार्ट हो गया। ओह शिट, क्या खा रहे हो तुम? केक, यहाँ का स्पेशल केक। देखो ये केक केरला में मिलता है, देखो ये ना डीप फ्राइड होता है और मैडम डाइट पे है। सो ये एक चीज़ है यहाँ का खाना जो हम कभी मिस नहीं कर सकते। पहुँच गए हम अपने शहर केरला में देवलाकरम। इट हैज़ बीन एन एडवेंचरस अमेजिंग जर्नी, न जाने कितनी बार हम कर चुके हैं, बट द चार्म नेवर गोज अवे। एंड द फूड हियर इज समथिंग विच कॉल्स अस अगेन एंड अगेन। एंड लेट मी कैरी ऑन। जैसे ऋषभ ने कहा, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और तकरीबन हमें 11 दिन लगे। जनरली जब मैं आता हूँ तो 3-4 दिन में पहुँच जाता हूँ। अब हम देवलकरा में हैं, नेक्स्ट एपिसोड मैं देवलकरा के ऊपर भी बनाने वाला हूँ। लेकिन अब ट्रिप हम ऑलरेडी 5 बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमेशा एक नया एक्सपीरियंस होता है और आगे पता नहीं कितनी बार और हम ये ट्रिप करेंगे अलग अलग रूट से। और जो हमारा पेट रूट है गुजरात मुंबई वाला, वो उसको अभी हम मिस कर रहे थे, तो हम दोबारा उस रूट पे ज़रूर आएंगे। सो इस जर्नी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमने तकरीबन 3200 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई है इसमें, और टोटल जो कॉस्ट है हमारी फ्यूल का वो आया है 34,054 रुपीज़, टू बी प्रिसाइज 310 लीटर। और स्टे का कॉस्ट जो टोटल आया है वो 47,019 रुपीज़ 97 पैसे, टू बी प्रिसाइज। ओके, सो इसमें जो इसकी जो डिटेल्स हैं, हम कहाँ कहाँ रुके थे, उस वो मैं स्क्रीन में आपको दिखाई रहा हूँ। और टोल लगा है टोटल हमारा 3,112 रुपीस, जो कि फास्टैग से कटे। इसके अलावा शायद 100-150 रुपये या 20 रुपये 50 पैसे कुछ जो हमें कैश देना पड़ा था, बाकी तो 95% जो टोल है वो फास्टैग से ही कटे हैं। Do you think the toll cost is like less than as compared to all our previous trips? No. जब हम फर्स्ट टाइम गुजरात से आए थे तो टोल गुजरात यानी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र एंड वही बैंगलोर होते हुए जब आए थे, तो मेरा कुछ सिर्फ 4,000 रुपीज़ का टोल लगा था। ओके, फिर बाद में गुजरात में या शायद राजस्थान में टोल फ्री कर दिए तो सिर्फ 2500 रुपये लगे थे। अभी हम मध्य प्रदेश वगैरह से गए इसलिए हमारा 3112 रुपये लगे। ओके, जो मेरा लोएस्ट टोल है अब तक वो 2500 रुपये में मैं पहुँचा हूँ, वो हमारा वही पेट रूट है यहाँ से उदयपुर, उदयपुर से वडोदरा सूरत होते हुए बॉम्बे पुणे बैंगलोर कोची केरला पहुँच गए। तो अभी हम हमारे होम टाउन पे हैं, कुछ दिन हम यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट एपिसोड्स में अब ये सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। एंड जो दिल्ली टू केरला ड्राइव करना चाहते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्लीज़ आप इस वीडियोस को शेयर करें, मैक्सिमम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। हम ये करते रहेंगे और भी बहुत बहुत एक्साइटिंग ट्रिप्स हम अपने लाइफ में करेंगे, वो सारा हम ट्रैवलोक्रेसी में रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे। एंड जो नेक्स्ट एपिसोड है वो देवलकरा के बारे में है। देवलकरा की शायद इतना कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए कि मेरे को शायद एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, 2 या 3 वीडियो में वो कंप्लीट होगा।